हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 86% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉग देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड, दिल्ली मेट्रो की ओर से नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड कॉरिडोर को 18 सितंबर से खोल दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन द्वारका नजफगढ़ कॉरिडोर के कुल 4.2 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट के विस्तार होने से नजफगढ़ के आसपास के आंतरिक क्षेत्रों के निवासियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र दिल्ली से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है। इस रूट के शुरू होने के बाद यात्री बल्लभगढ़, गुरुग्राम, गाजियाबाद, शाहदरा से सीधे नजफगढ़ बिना किसी परेशानी के आ जा सकेंगे। बताते चले कि इस विस्तारित मेट्रो रूट को हाल ही में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस से अनिवार्य मंजूरी मिली थी। वहीं द्वारका नजफगढ़ कॉरिडोर अक्टूबर 2019 में खोला गया था, जिसने पहली बार नजफगढ़ के शहरी गांव क्षेत्र को रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क से जोड़ने का काम किया था। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन द्वारका नजफगढ़ कॉरिडोर पर नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड खंड का औपचारिक उद्घाटन 18 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आदि भी प्रमुख रूप से उपलब्ध रहेंगे। लेकिन इस रूट पर सेवा शाम 5 बजे से मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसका ब्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।